हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और ये है हमारी इमेज एसईओ सीरीज का फिफ्थ पार्ट। जनवरी 2024 के इस महीने में हम इमेज एसईओ से रिलेटेड आपकी सारी प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस और जिज्ञासाओं को शांत कर रहे हैं। इस सीरीज के पहले चार वीडियोस आ चुके हैं, अगर आपने अभी तक उन चार वीडियोस को नहीं देखा है तो आई विल रिकमेंड कि इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले आप उन वीडियोस को भी देखें ताकि आपको इस वीडियो का ज्यादा बेनिफिट मिले। फोर्थ वीडियो में हमने इमेजेस के ऑल्ट एट्रीब्यूट टेक्स्ट को जनरेट करने के बारे में बात की थी। ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या होता है, उसको बनाते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों को कभी भी नहीं करना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात की थी। थियोरेटिकली जब भी आप किसी भी वेबसाइट में किसी इमेज को यूज करते हैं तो उसके ऑल्ट एट्रीब्यूट में 18 वर्ड्स से ज़्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए और उसमें इमेज को एक्सप्लेन किया जाना चाहिए, आपके कीवर्ड का होना भी ज़रूरी है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल देखते हैं किसी भी वेबसाइट में, एक डिसेंट साइज़ की वेबसाइट है जिसमें 1000 पेजेस हैं, मे बी 10000 पेजेस हैं, 1 मिलियन पेजेस हैं, इस तरह की वेबसाइट में लाखों की तादाद में इमेजेस हो सकती हैं। और अगर आप अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं या आपकी वेबसाइट 1 साल 2 साल पुरानी है तो आप इन लाखों हज़ारों इमेजेस पर जाकर ऑल्ट एट्रीब्यूट को एक एक करके इमेज को देख करके नहीं बना सकते हैं। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अगर आप किसी प्लगइन को यूज़ करते हैं तो वो प्लगइन भी आपके रिसोर्सेज को यूज़ करेगा, मे बी उसकी कुछ कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी, और अगर आप डेवलपर को हायर करते हैं तो भी उसको आपको पे करना पड़ेगा। सो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे फ्री तरीके के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको यूज़ करके आप कुछ ही मिनटों में, आधे घंटे के अंदर अपनी वेबसाइट की सारी इमेजेस में ऑल्ट एट्रीब्यूट को क्रिएट कर लेंगे, बना लेंगे, और उसमें आपका कुछ भी खर्चा नहीं होगा, सब कुछ फ्री रहेगा। कैसे करना है इस प्रोसेस को देखते हैं आज के वीडियो में। इस बहुत ही टफ दिखने वाले टास्क के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। नंबर एक है खुफिया सीक्रेट जावास्क्रिप्ट कोड जो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, और नंबर दो है गूगल टैग मैनेजर जो ऑलरेडी फ्रीली अवेलेबल है। गूगल टैग मैनेजर को यूज करना बहुत ईजी है। अगर आपने अभी तक इस टूल को नहीं सीखा है या आपने कभी भी नहीं यूज किया है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा एक वीडियो ऑलरेडी 1.5 घंटे का एक वीडियो है जिसको देखकर आप गूगल टैग मैनेजर को यूज करना, अपनी वेबसाइट के साथ में लिंक करना अच्छे से सीख सकते हैं। नाउ गूगल टैग मैनेजर को यूज करके इस कोड को हम आपकी वेबसाइट पर इंजेक्ट करेंगे, और ये कोड एकदम सेफ है, सिक्योर है। ये कोड आपकी वेबसाइट की सारी इमेजेस को जाकर चेक करेगा। जब भी कोई वेबसाइट विजिटर आपकी वेबसाइट पर जाएगा ये कोड रन होगा और ये कोड चेक करेगा कि आपकी वेबसाइट पर, आपके उस वेब पेज पर कितनी इमेजेस हैं, क्या उन पेजेस पर कोई ऑल्ट एट्रीब्यूट है या कहीं खाली तो नहीं है। अगर कोई भी ऑल्ट एट्रीब्यूट नहीं है, ये एकदम खाली पड़ा हुआ है, तो वहां पर ये इमेज के लिए एक ऑल्ट एट्रीब्यूट जनरेट करके वहां पर ऑटोमेटिकली इंजेक्ट कर देगा। ना तो आपको जाकर एक एक इमेज को चेक करना है कि इसमें ऑल्ट एट्रीब्यूट है या नहीं है, और ना ही कुछ और करना है, सिर्फ आपको इस कोड को इंप्लीमेंट करना है। ये कोड फ्री है, आपको फ्री में मिलेगा। सो ये कोड आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और इस कोड को यूज कैसे करना है गूगल टैग मैनेजर के साथ में, ये हम देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर चल के। सो हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, और गूगल टैग मैनेजर के ऊपर जैसा मैंने बताया अभी हमारा एक बेसिक वीडियो ऑलरेडी डन है, इसीलिए बेसिक स्टेप्स को मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहां पर। हम इस पूरी प्रोसेस को स्टार्ट से लेकर फिनिश तक करने जा रहे हैं। अगर आप बेसिक स्टेप्स को समझना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट में गूगल टैग मैनेजर के लिए एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। प्लगइन का नाम है GTM4WP। ये रहा प्लगइन, इंस्टॉल नाउ, देन इसके बाद एक्टिवेट, और उसके बाद हम आएंगे सेटिंग्स ऑप्शन पर और यहाँ पर गूगल टैग मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें अपनी गूगल टैग मैनेजर की आईडी को देना पड़ेगा, बट आईडी को देने के लिए हम सबसे पहले एक नया अकाउंट बनाएंगे। सो गूगल टैग मैनेजर पर नया अकाउंट बनाने के लिए आपको आना होगा tagmanager.google.com पर। यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अगर आप पहली बार करने जा रहे हैं तो इमेज ऑल्ट टेस्ट, देन इसके बाद कंट्री सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट सेटअप है तो आपको दोबारा ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आप इसे नॉर्मली ऐसे ही डन कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम अगेन टाइप कर देते हैं इमेज ऑल्ट टेस्ट, हमारा कंटेनर हो गया है। वेब सेलेक्ट कर लेते हैं बिकॉज हम वेबसाइट पर ऐड करने वाले हैं। इसके बाद क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें एग्रीमेंट को यस करके एक्सेप्ट करना होगा। व्हाट अदर ऑप्शन डू यू हैव एनीवे? ओके, तो हमने यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लिया है और ये नया कंटेनर और वर्कस्पेस दोनों हमारा बन रहा है। नाउ यहाँ पर ये जो इस पूरे कोड वगैरह को हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये जो कोड से ऐड करते हैं वेबसाइट पर गूगल टैग मैनेजर को, वो लोग बहुत नौसिखी हैं। यहाँ पर आप सिंपली सिर्फ इस GTM आईडी को कॉपी कर लेंगे, स्टार्ट होती है GTM डैश से, इसे यहाँ पर हम कॉपी कर सकते हैं और उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर देंगे और इस कोड को यहाँ पर, इस GTM आईडी को यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया है, और उसके बाद हम सेव चेंजेस बटन पर क्लिक करेंगे। एंड वंस यू हैव डन दैट, एक बार फिर से करना पड़ेगा, इसी प्रोसेस को दोबारा करना पड़ेगा। ये इस प्लगइन का बहुत बड़ा बग है। यहाँ पर आपने अभी सेव चेंजेस बटन पर क्लिक किया, इसके बाद आपको एक बार फिर से ऑन पर क्लिक करना होगा एंड अगेन हम एक बार सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे। राइट, सो गूगल टैग मैनेजर हमारी इस वेबसाइट के साथ में कनेक्ट हो चुका है।
राइट, दैट इज डन आई एम श्योर। नाउ हमें यहाँ पर एक नया टैग बनाना पड़ेगा। टैग कैसे बनाएंगे? यहाँ पर आएंगे हम टैग विंडो पर, उसके बाद न्यू बटन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर इसको टैग को नाम देंगे इमेज ऑल्ट। ओके, देन इसके बाद यहाँ पर टैग कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद कस्टम एचटीएमएल पर क्लिक करेंगे। ये कंटेनर जो हम यूज़ करने जा रहे हैं अपने जावास्क्रिप्ट कोड को अपनी वेबसाइट पर इंजेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हमें अपने कोड को एंटर करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम अपने कोड को पेस्ट करेंगे। ये कोड आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर मिल जाएगा, आप इसे आराम से कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर हमने अपना एचटीएमएल कोड पेस्ट कर दिया है। इसके बाद हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा और यहाँ पर ट्रिगरिंग पर आ जाते हैं और यहाँ पर हमें ट्रिगर अपना नया बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस प्लस बटन पर और सबसे पहले हमें अपने ट्रिगर को एक नाम देना पड़ेगा। हम इसे नाम देते हैं IMG ALT ट्रिगर, ठीक है, मेमोरी के लिए अच्छा रहेगा। और इसके बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसके बाद डॉम रेडी पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमें पेज व्यू को नहीं सेलेक्ट करना है, डॉम रेडी को क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद सेव चेंजेस बटन पर हमने क्लिक कर दिया है और फिर अगेन एक बार सेव चेंजेस बटन पर क्लिक कर देते हैं। नाउ हमारी जो ये वेबसाइट है buyclothes.online, इसके ऊपर अगर हम राइट क्लिक करके विजिट करने की कोशिश करते हैं इसे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस वेबसाइट पर जो इमेजेस ऑलरेडी हैं उसमें ऑल्ट है या नहीं है, क्या है। किसी भी एक इमेज पर राइट क्लिक करते हैं, इसके बाद इसे इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑल्ट कहीं पर भी सेट नहीं है, राइट। इमेज लोडिंग एट्रीब्यूट दिया हुआ है, विड्थ है, हाइट है, सोर्स है, क्लास है, ऑल्ट सोर्स सेट है, एवरीथिंग इज देयर बट ऑल्ट नहीं है कहीं पर भी। ओके, नाउ आई कम हियर एंड हमारा इमेज ऑल्ट जो टैग है वो ऑलरेडी बन चुका है। तो यहाँ पर हम प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे और दूसरी विंडो पर टैग असिस्टेंट ओपन होगा। अगर आपने पहले कभी भी गूगल टैग मैनेजर को यूज़ नहीं किया है तो मे बी ये प्रोसेस आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगे, बट हम अगेन यहाँ पर इसे करते हैं। वेबसाइट यूआरएल हमें यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। हमने अपनी वेबसाइट का यूआरएल एंटर कर दिया है और उसके बाद कनेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे। सो ये वेबसाइट यहाँ पर लोड हो चुकी है और हम थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं और इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करके इसे इंस्पेक्ट करते हैं। इसी सेम इमेज को हम यहाँ पर अभी राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर रहे थे, राइट, एंड देन ये इमेज नहीं यहाँ पर दिखाई दे रही थी। अब हम वापस आते हैं और अगर अब हम देखें तो आपको दिखाई दे रहा है ऑल्ट साइड बैनर। ऑल्ट साइड बैनर क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इस इमेज का जो नाम है वो है side-banner.jpg। सो ये ऑल्ट कैसे जनरेट कर रहा है? आपकी जो इमेज है उसका जो भी नाम है उस नाम को पिक करता है, उस नाम के अंदर जितने भी डैश हैं या डॉट हैं, जो भी ऐसी ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं, ज्वाइनिंग लेटर्स हैं, सिंबल्स हैं, उन सब को स्पेस के साथ में रिप्लेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी एक और इमेज को लेते हैं, इस इमेज को पिक करते हैं और इसे इंस्पेक्ट करते हैं, राइट। यहाँ पर इस इमेज का नाम क्या है? t-shirt-2-300x300.jpg। सो इस इमेज का जो ऑल्ट होगा वो क्या होगा? t-space-shirt-300x300, राइट। इस इमेज का ऑल्ट बन गया है, अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका है। अगर इस वर्जन पर आता हूँ मैं, इस वेबसाइट पर स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर मैं इसको अगर इंस्पेक्ट करता हूँ तो इस जगह पर यहाँ पर अभी कोई भी ऑल्ट आपको नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास डिकोडिंग एट्रीब्यूट है, विथ है, हाइट है, सोर्स है, क्लास है, ऑल्ट सोर्स सेट है, बट आपके पास ऑल्ट नहीं है। वो ऑल्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी हम GTM के प्रीव्यू विंडो पर हैं। सो इस तरह से आप किसी भी वेबसाइट में कितने भी पेजेस हों, मे बी एक पेज में 1000 इमेजेस हैं और आपकी वेबसाइट पर टोटल 100,000 वेबसाइट है, कितनी भी इमेजेस हों, हर इमेज के लिए ऑल्ट एट्रीब्यूट आप डायनेमिकली इंसर्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्क्रिप्ट आपकी वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले देखती है कि आपकी वेबसाइट पर कहीं कोई ऑल्ट एट्रीब्यूट है या नहीं है। अगर है तो उसे रहने देती है वैसे ही, इसे छेड़ेगी नहीं, हटाएगी नहीं, और अगर नहीं है तो उसे जाकर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकती है, जनरेट कर सकती है। स्क्रिप्ट आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है, आप आराम से जाएं और इस स्क्रिप्ट को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से कॉपी करें, अपनी वेबसाइट पर जाकर यूज़ करें। अगर गूगल टैग मैनेजर आपको अच्छे से नहीं आता है तो आपको गूगल टैग मैनेजर का हमारा ये वीडियो देखने की ज़रूरत है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज गूगल टैग मैनेजर एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल टूल है जो आपके मार्केटिंग, आपके एडवर्टाइजिंग प्लान में 4 चांद लगा सकता है और आपकी वेबसाइट के लिए बार बार काम आने वाला है। तो सिर्फ इसी एक ट्रिक के लिए, इसी एक स्क्रिप्ट के लिए नहीं, आप बार बार गूगल टैग मैनेजर को यूज़ कर सकते हैं। सो एंजॉय करिए, यूज करिए स्क्रिप्ट एंड थैंक यू। सो आई होप कि अब किसी की वेबसाइट में ऑल्ट एट्रीब्यूट मिसिंग नहीं होगा।
गूगल की अपनी पॉलिसीज के हिसाब से ऑल्ट एट्रीब्यूट का ना होना किसी वेबसाइट पर या उसका नल होना अपने आप में बहुत खराब है। सो इवन दो कि आप एक आइडियल ऑल्ट एट्रीब्यूट अपनी इमेजेस के साथ में नहीं जोड़ रहे हैं, एटलीस्ट आप कोई ना कोई एक ऑल्ट एट्रीब्यूट जरूर यूज कर रहे हैं। यहां पर ऑब्वियसली आपको एक अच्छी प्रैक्टिस यूज करनी पड़ेगी कि आपकी जो वेबसाइट की इमेजेस हैं उनका जो नाम है वो सही होना चाहिए, उसको व्हाट्सएप या स्क्रीनशॉट या फोटो जैसा कोई एक कोई भी घिसेपिटा टेम्पलेट नाम नहीं देना है। आप अपनी वेबसाइट की अगर इमेजेस को सही नाम देना शुरू कर देंगे जो भी आपके ऑथर या राइटर्स हैं पब्लिशर्स हैं तो आपकी वेबसाइट के जो ऑल्ट एट्रीब्यूट की प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी, आपको दोबारा कभी इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। सो ये था इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट सीरीज का फिफ्थ वीडियो। अगले वीडियो में हम इमेज एसईओ की किसी और प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे, डिस्कस करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम अमित तिवारी.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।